नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अमन एज ए स्पेशल एजुकेशन फील्ड को फील्ड करती हूँ स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताती हूँ स्पेशल डिसबल्टीज़ के बारे में बताती हूँ और स्पेशल इवेंट्स होते हैं जो स्पेशल वर्किंग uh, होते हैं उसके बारे में बताती हूँ आज हमारा स्पेशल है कुरान वायरस क़ुरान वायरस क्या है वायरस के बारे में जानकारी दूँगी ये जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है और इसी के बारे में आपको आज जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है और ये किसी के संपर्क से भी हो सकता है तो इसको देखने के लिए जारी रखिएगा इस वीडियो जो कोरोना वायरस है ये आया है जानवरों से इंसानों के साथ इंसानों में आया है ये वायरस जानवरों में पाया जाता था और अब ये इंसानों में पाया जाने लगा है ये क्यों आया कैसे आया किस लिए आया इसके बारे में आपको जानकारी देंगे ये सबसे पहले जब इजात हुआ था इसके बारे में जानकारी दी थी ये छः तरह के सबसे ख़तरनाक वायरसों में से एक वायरस माना जा रहा है दुनिया में सबसे छः खतरनाक वायरस हैं जो इस आ, सार्स के ज़रिए हमें आजाद हुए हैं ईजाद होने के बाद उनमें से ये छेवा वायरस है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे हार्मफुल है इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डेथ हो सकती है हम मर सकते हैं मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं इस तरह के वायरस से बचने के लिए भी उपाय बता रही हूँ तो इसको कहते हैं ह्यूमन क्रॉन वायरस यानी कि जानवरों से आने वाला वायरस इंसानों में हो जाना जानते होंगे सार्स एक ऐसा है जो वायरस है जो दुनिया में सबसे ख़तरनाक होता है सार्स में छः तरह के वायरस पाए जाते हैं छः तरह के वायरस में ये सबसे खतरनाक वायरस है और इसी वायरस को क्रनार वायरस कहा गया इसमें क्या है कि जो समुंदर के जरिए पाए जाने वाले फूड यानी कि सी फूड सी फूड से ये हमें पाया जाता है सी फूड के जरिए ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमारे बॉडी के अंदर इससे इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन से हमारा जो कोनार वायरस फैलता है इस वायरस को सार्स ने छवा वायरस बताया है सिक्स वायरस बताया इसको नोवल नाम से वायरस नोवल वायरस के नाम से ईजाद किया गया है सबसे पहले ये जो वायरस आया था चीन में आया था 2002 में आया था 2002 में आने की वजह से जो चीन में हुआ था आठ हज़ार अट्ठानवे लोगों की को इसने अपनी चपेट में लिया था जिसमें से लगभग सात सौ पचहत्तर लोग जो मारे जा चुके थे इस वायरस के आने की वजह से इसके वायरस आने से पूरी दुनिया में जो इसके संपर्क में आए लोग बीमारी की वजह से तीन हज़ार का लगभग डाटा पाया गया जिसमें तीन हजार लोग मारे जा चुके थे इस बीमारी की वजह से सिर्फ इस खतरनाक वायरस की वजह से तीन हज़ार लोग मारे थे जो हमारे सी फूड की वजह से हमारे बॉडी के अंदर आ दोस्तों जो कोनार वायरस का है ये कैसे होता है इसके क्या लक्षण हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कोनार वायरस के लक्षण जो हैं सर दर्द बुखार जुखाम, नाक का बहना जो हमारा लगातार रहे रहेगा सर दर्द रहेगा तेज़ दर्द रहेगा निमोनिया होगा छींके आती रहेंगी ये हमारे लक्षण मेन लक्षण पाए जाते हैं और हाँ इसमें यह है कि जो लोग अस्थमा से ग्रस्त हैं उनमें ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है ध्यान रखिएगा जो लोग अस्थमा से ग्रस्त हैं उनमें ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है उनको ये अपने अंदर बहुत जल्दी समेटता है और ये इतनी जल्दी फैलता है कि इससे बॉडी पूरी ही इसके कंट्रोल में आ जाती है तो उसके बाद बहुत ही नुकसान होता है यानी कि ये एक जानलेवा वायरस है इससे क्या होता है कि इससे हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है सूजन आने की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है हमारा जो है नाक बहता रहता है ज़ुकाम हो होता रहेगा खांसी होती रहेगी जब हमारे फेफड़े हैं जो सूज जाएंगे सूज की वजह से उनमें पानी भर जाता है पानी भरने की वजह से वो किसी भी तरह से वो वर्कआउट नहीं कर पाता तो इसलिए आपको बता रही हूँ इसके मेन लक्षण यही है निमोनिया टाइप हो जाएगा निमोनिया हो सकता है आपको बुखार हो सकता है सर दर्द होगा तेज़ दर्द होगा बुखार होगा लगातार बुखार रहेगा आपको तो जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको लगातार बुखार रह रहा है नमोनिया आ रहा है नाक बह रही है या कुछ हो रहा है तो आप उसको क्या करना है जाके डॉक्टर के पास जाइए और इसका इलाज करवाइए क्योंकि इसके एक आपकी लापरवाही आपके लिए जानलेवा हो सकती है इसके लिए बस इतना ही कहेंगे कि सावधानी ही बचाव है अगर आप इसमें सावधानी रोकोगे तो आपके बचे रहोगे अगर आप सावधानी नहीं रखोगे तो आपको ये नुकसान करेगा कोरोना वायरस की वजह से आपकी बॉडी हमेशा थकान में रहेगी थकी रहेगी नमोनिया हो सकता है आपको ये नमोनिया के लक्षण दिखते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह का को कोई भी लक्षण नज़र आता है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे कनाल वायरस से बचने के लिए आपको क्या करना है कोनाल वायरस से बचने के लिए आपको क्या करना है आपको अपना जो है कि मास्क पहन के रखना है एक मुंह पे मास्क आता है वो मास्क पहन के रखें जब भी आप बाहर जाए या कहीं पर हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं या कहीं अदर एरिया में सोशल एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो आप मास्क पहन के जाएं अगर आपको जुकाम है या खांसी है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप सांस की बीमारी हो किसी भी तरह की बीमारी हो तो आप मास्क जरूर पहन के जाएं ताकि आपको ये इन्फेक्शन ना मिल सके और साथ में आपको क्या करना है कि हाथ को धोते रहना हाथों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है इसमें और साथ में मुँह पे कवर रखना मुँह को कवर रखना है और मुंह पर हाथ मुंह पे हाथ रख के ही खाँसें जब भी आपको कोई खांसी आती है तो आप मुँह पर हाथ रख के खाँसें और टिश्यू पेपर का कर यूज़ करें जब भी आपको कोई जुकाम है कुछ वैसा नज़ला वगैरह टाइप हो रहा है तो आप उसमें अपना ये टिश्यू पेपर्स यूज़ करें और उसको अच्छी तरह से डस्टबिन में डिस्पोज करें कोई भी पेपर आप इस तरह का यूज़ करते हैं तो उसको डिस्पोज करें और अपने जो आप हैंकी जो भी यूज़ करते हैं उनको डिटोल से अच्छी तरह से धोएं क्योंकि अगर वायरस होता भी है तो आप उससे आप बचा सकते हैं अपने आप को इसलिए आपको इसका कोई इलाज तो अभी तक आया नहीं है जैसे ही इलाज आएगा तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी फिलहाल आपको बस इस तरह है कि सावधानी ही बचाव है इसके लिए आपके लिए अब तक जो ये वायरस पाया गया है ये चीन में पाया गया है चीन से यह दक्षिण कोरिया थाईलैंड ताइवान इराक वाली साइड से पाया गया है भारत में अभी तक इसका कोई भी लक्षण ट्रेस नहीं किया इसलिए इसकी कोई अफवाह ना फैलाएं कि हमारे यहाँ पे इस तरह का वायरस आया है अफवाह से दूर रहिएगा सिर्फ़ आपको क्या करना है आपको सावधानी रखनी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जाके चेक कराएं और ये छूने से नहीं फैलता छूने से फैलता है ये हाथ संपर्क यानी कि जुकाम टाइप का है तो इसलिए भारत में अभी तक कोई भी केस ऐसा ट्रेस नहीं हुआ हमारे जितने भी चीन से रिलेटेड एरियाज हैं सेवन एयरपोर्ट्स हैं सारे एयरपोर्ट्स पे इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कोई भी चीन से आ रहा है या चीन से चीन के लिए जाने के लिए तैयार है तो वो पूरा अपना मेडिकली चेकअप जरूर करवाए और क्योंकि ये बाहर से आएगा अपने इंडिया में इंडिया में अभी आया नहीं है लेकिन ये आ सकता है इसकी संभावना है अगर चीन से कोई टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आता है तो आ सकता है नहीं तो हमारे अंदर वायरस नहीं आ सकता इसीलिए इसकी अफवाह ना फैलाएं और अफवाहों पर भी ध्यान मत दें सिर्फ आपको ये क्या कर करना आपको सिर्फ़ इन लक्षणों को ध्यान रखना है। इन लक्षण जो आपको मैंने क्लोजेस बताए हैं इनको ध्यान में रखना है और इसी के साथ आपका आज का वीडियो ख़त्म हो रहा है आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे सकूं क्योंकि इसके बारे में मेरे पास काफ़ी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर मेरे ई मेल आई डी पर या मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा धन्यवाद बने रहिएगा डॉक्टर अमन के साथ